दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रपाल चौधरी और आपके सामने मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में चौथा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज के वीडियो में अपन धार्मिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। तो किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। किसी भी धर्म के अनुसार मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने के अधिकार में सिख धर्म द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कृपाण धारण करने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है अथवा नहीं है। इसके अलावा प्रचार करने का अधिकार जो है वो उसमें धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनलिस वाद में साफ साफ कहा कि धर्मांतरण का अधिकार प्रचार करने के अधिकार में शामिल नहीं है, यानी किसी को बहला फुसला करके आप धर्मांतरण चेंज नहीं, धर्म चेंज नहीं करवा सकते। कई राज्य सरकारों ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं और केंद्र सरकार इसके खिलाफ कानून बनाने का प्रयास कर रही है। अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 26 का संबंध है और इसके अंतर्गत आते हैं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जंगम और स्थावर संपत्ति को धारण करना और संपत्ति को प्रशासित करने का अधिकार इसमें शामिल है। अब इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 27 का संबंध किससे है? किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता ये अनुच्छेद देता है, यानी राज्य सरकार किसी भी धर्म की अभिवृद्धि और विकास के लिए किसी भी नागरिक के ऊपर कोई भी कर नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 28 का संबंध किससे है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में या राज्य सरकार द्वारा अंशतः संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी छात्र छात्रा को बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन ये नियम अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से संबंधित। शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 के मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अन्य मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार इसमें दिया गया है। अब बात आती है कि अल्पसंख्यक कौन है। संविधान में अल्पसंख्यक कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में केवल धार्मिक और भाषाई लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है, और अल्पसंख्यक जो लोग धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं या भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक मानकर कुछ अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आज इतना ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।